इस सेशन में हम जानेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में। जेनेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें हम बात करते हैं डीएनए की। डीएनए की बात करें तो हम बोलेंगे कि डीएनए बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है। इसका मतलब हमने कुछ पोर्शन डीएनए का लिया है अपने फादर से, अपने मदर से। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट वी लुक लाइक दिस। तो जब मैं बात करूं अपने डीएनए की, तो डीएनए एक तरीके से, अगर मैं डीएनए की फुल फॉर्म बोलूं तो क्या है, वो है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, है ना। तो इसका मतलब वो एक एसिड है। चाहे मैं डीएनए की बात करूं, आरएनए की बात करूं, वो केमिकली क्या है, न्यूक्लिक एसिड। दो तरीके के न्यूक्लिक एसिड हमें पता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब मुझे पता लग गया कि न्यूक्लिक एसिड से ये बने हैं, बट न्यूक्लिक एसिड किससे बना है, मतलब हमने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया, ठीक है, कि डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक एसिड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूक्लिक एसिड किन कंपोनेंट से बने हैं। तो जो न्यूक्लिक एसिड हैं, उनकी सब यूनिट्स को हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं उनकी सब यूनिट्स को, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड फर्दर तीन कंपोनेंट्स में डिवाइडेड हैं, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर और फॉस्फोरिक एसिड। हाय एवरीवन, आई दीपाली वेलकम ऑल ऑफ यू टू इन्फिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य। इस सेशन में हम जानेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में। जेनेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें हम बात करते हैं डीएनए की। हाँ जी, वो स्ट्रक्चर जो कि हमें सारी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड करता है फ्रॉम आर पेरेंट्स, फ्रॉम आर एंसेस्टर्स। तो आज इस सेशन में हम क्या देखेंगे, केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए की बात करें तो हम बोलेंगे कि डीएनए बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है। इसका मतलब हमने कुछ पोर्शन डीएनए का लिया है अपने फादर से, अपने मदर से। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट वी लुक लाइक दिस, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट वी हैव सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक, सर्टेन हाइट, सर्टेन जीन्स। अब मैं उसी की बात करूं कि ये जो हमने डीएनए इनहेरिट किया है अपने पेरेंट्स से, इसका केमिकल स्ट्रक्चर क्या है। क्योंकि अगर हम कुछ खाना खा रहे हैं, हमें पता है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, प्रोटीन्स होंगे, फैट्स होंगे, कुछ बायोमोलिक्यूल्स होंगे बेसिकली। तो मैं यहां पर ये बोल रही हूं कि जिस डीएनए की हम बात करते हैं वो केमिकली आखिर है क्या, है ना, वो केमिकली आखिर है क्या। तो जब मैं बात करूं अपने डीएनए की, तो डीएनए एक तरीके से, अगर मैं डीएनए की फुल फॉर्म बोलूं तो क्या है, वो है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, है ना। तो इसका मतलब वो एक एसिड है। चाहे मैं डीएनए की बात करूं, आरएनए की बात करूं, वो केमिकली क्या है, न्यूक्लिक एसिड। दो तरीके के न्यूक्लिक एसिड हमें पता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए इज द जेनेटिक मटीरियल इन वायरसेस यूजुअली, डीएनए जो ह्यूमन बींग्स के अंदर प्रेजेंट होता है एज द जेनेटिक मटीरियल। अब मुझे पता लग गया कि न्यूक्लिक एसिड से ये बने हैं, बट न्यूक्लिक एसिड किससे बना है, मतलब हमने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया, ठीक है, कि डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक एसिड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूक्लिक एसिड किन कॉम्पोनेंट से बने हैं। तो जो न्यूक्लिक एसिड है, उनकी सब यूनिट्स को हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं उनकी सब यूनिट्स को, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड फर्दर तीन कंपोनेंट्स में डिवाइडेड हैं, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर और फॉस्फोरिक एसिड। क्या तीन चीजें हैं, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर और फॉस्फोरिक एसिड। जो नाइट्रोजनस बेस हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं, प्यूरीन और पिरिमिडीन। पेंटोस शुगर दो तरीके की, आरएनए में राइबोस शुगर, डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर और फॉस्फोरिक एसिड। डीएनए इज इक्वल टू न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड से बना। एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर ये तीन कॉम्पोनेंट्स, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर और फॉस्फोरिक एसिड। अब इन सारे कॉम्पोनेंट्स को देख लेते हैं। जब बात करें नाइट्रोजनस बेस की, तो वो दो तरीके का हो सकता है, प्यूरीन और पिरामिडीन। अब देखो, पहले मैंने बात की प्यूरीन की। प्यूरीन्स कुछ ऐसे दिखते हैं। प्यूरीन्स के अंदर आपको नाइन मेंबर्ड, प्यूरीन्स आर नाइन मेंबर्ड, इसके अंदर आपको नाइन मेंबर्स दिखेंगे। देखो, एक ऐसा हेक्सागोनल सा स्ट्रक्चर है और फिर एक यू स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। आप यहां पर ब्रोकन नजर आ रहा है, तो मैंने आपके लिए बनाया कि इट इज ए नाइन मेंबर्ड स्ट्रक्चर और एक डायसाइक्लिक कंपाउंड है। एक सिक्स मेंबर्ड रिंग इधर और एक फाइव मेंबर्ड रिंग इधर। जो प्यूरीन्स हैं वो दो हैं हमारे पास, एडिनिन और गुआनिन। याद रखना, एडिनिन और गुआनिन दो प्रोटीन्स हैं, प्यूरीन्स हैं, सॉरी। जो प्यूरीन्स हैं वो डायसाइक्लिक है, दो साइकिल्स हैं, हेटरोसाइक्लिक, मतलब दो साइक, जो दो साइकिल्स हैं वो सिमिलर नहीं है। एक सिक्स मेंबर्ड रिंग है और एक
फाइव मेंबर्ड रिंग है। तो क्या हो गए हमारे दो प्यूरिन्स, एडिनिन और गुआनिन। पिरिमिडिन्स की बात करें तो ये सिक्स मेंबर्ड कंपाउंड्स हैं। कितने मेंबर्ड? सिक्स मेंबर्ड कंपाउंड्स हैं और एक ही रिंग है। देखो हमारे पास पिरिमिडिन्स में तीन एग्जांपल हैं, साइटोसिन, थाइमीन और यूरेसिल। इसमें से थाइमीन सिर्फ डीएनए में होता है, यूरेसिल सिर्फ आरएनए में होता है। ये है पिरिमिडिन, सिक्स मेंबर्ड रिंग है। एग्जाम्पल देखिए, सी टी यू, यूरेसिल सिर्फ आरएनए में है, थाइमीन सिर्फ डीएनए में प्रेजेंट है। ये हमने देखे नाइट्रोजनस बेस, दैट द नाइट्रोजनस बेस कैन बी अ प्यूरीन और इट कैन बी अ पिरामिडीन। प्यूरीन ए एंड जी, पिरामिडीन सी टी यू।